ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं वो दरअसल रविवार दोपहर की है। हादसे की पल पल की खबर हमने आपको दिखाई थी, लेकिन हादसा पेश कैसे आया था, आइए इस तस्वीर से जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये न्यू मार्केट थाना अंतर्गत एसएन बनर्जी रोड का इलाका है और ठीक एलआईसी बिल्डिंग के सामने बिग बाजार के पास ये दुर्घटना पेश आया था। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ड्राइवर की लापरवाही के कारण ये हादसा पेश आया था। आपको बता दें कि ये हादसा पार्क सर्कस बाकड़ा रोड की मिनी बस के साथ हुआ और पार्क सर्कस के दारापाड़ा इलाके से हावड़ा के बाकड़ा में रिंग सेरेमनी के लिए कुछ लोग जा रहे थे कि ये दुर्घटना पेश आया, जिसमें 26 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। वहीं आपको बता दें कि जिस मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसके खिलाफ 200 से ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हुए हैं और इस घटना की देर रात इस गाड़ी के ड्राइवर सरफराज खान को भी हावड़ा स्टेशन के प्रीपेड टैक्सी बूथ से कोलकाता ट्रैफिक पुलिस के फाटल स्क्वाड ने गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल इस बस की ड्राइवर को 7 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं इस घटना के बाद से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने भी अनफिट बसों के खिलाफ नकेल कसना शुरू कर दिया है। सभी गाड़ियों के लाइसेंस, इंश्योरेंस और तमाम डॉक्यूमेंट्स की जाँच पड़ताल शुरू कर दी गई है। ये तस्वीर आप तक दिखाना हमारा फर्ज था, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हर खबर आप तक पहुंचे कि उस दिन किस तरीके से ये हादसा पेश आया था। जय जय राम साहब, जय जय राम, जय राम, जय राम।